नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ सनी में एक बार। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ थाईलैंड शो मनी के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि शो अमाउंट कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ से कन्वर्ट करवाएं, क्या सारी चीज़ें, तो और कितनी करेंसी लानी चाहिए अगर हम सिंगल आ रहे हैं या सोलो ट्रेवलर हैं या फिर हम फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हमें कितना पैसा लेके आना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ बैंकॉक थाईलैंड, और सबसे पहला सवाल ये था कि आप थाईलैंड अगर आ रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए या फिर आप अगर स्टिकर वीज़ा लेके आ रहे हैं तो दोनों केस में आपको मनी जो है वो आपको लेके आनी पड़ेगी, मतलब कि आपका जो 10,000 थाई बात या 20,000 थाई बात जो है वो आपको कैरी करके लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टिकर वीज़ा लेके आ रहे हैं तो आपको जो है वो आपको मनी नहीं शो करानी पड़ेगी। वैसे मनी शो कराने का रीज़न ये है कि वो कभी कभार पूछ लेते हैं, वरना वैसे तो कोई पूछता नहीं है कि कितना मनी लेके आए हो आप, क्या है, लक वाली बात है कि वो अगर आपसे पूछ लेते हैं तो कि भाई कितना आपके पास पैसा है, क्या है, सारी सब कुछ चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके आ रहे हो तो वीज़ा ऑन अराइवल में आपकी सब रिक्वायरमेंट जो है उनमें उन्होंने ये चीज़ दे रखी है कि रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपका 10,000 थाई बात अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं या फिर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 20,000 थाई बात आपको लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोगों के सवाल ये हैं, क्वेश्चन ये थे कि मैं अगर फैमिली के साथ आ रहा हूँ तो क्या मुझे 20,000 थाई बात लानी चाहिए, फिर सबके लिए 20,000 थाई बात कैसे। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और अगर आप फैमिली के हेड हैं या फिर आप 4-5 लोग आ रहे हैं तो आपको पूरे फैमिली का जो है वो 20,000 थाई बात आपको शो कराना है, नहीं कि ये नहीं कि आपको सिंगल सबके लिए पैसे दिखाने हैं। आप एक अपने एंड से जाके पैन कार्ड या जो भी आपका जब कन्वर्ट करवाने जाएंगे तो वो आपसे सारी चीज़ें डिटेल ले लेगा। अब यहाँ पे एक बात और थी कि किसी ने मुझसे पूछा था कि हम 5 लोग आ रहे हैं तो 5 लोगों के सबके अलग अलग पासपोर्ट से कन्वर्ट करवाएं कि कैसे करवाएं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर 5 लोग आ रहे हैं या फिर 4 लोग आ रहे हैं या 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग, जो भी आ रहे हैं, वहाँ आप जाके करेंसी कन्वर्ट करवाने, सिर्फ आप एक सिंगल पर्सन जाके करेंसी कन्वर्ट करवा सकता है कि क्योंकि वो सिर्फ 1% का लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 2% ऐड करवा सकते हैं, तो 2 लोगों के जैसे भाई आप मुझे 10,000 थाई बात आप दे दीजिए या फिर 20,000 थाई बात दे दीजिए तो आप वैसे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और बिल वो आपको दे देगा, क्योंकि अगर आपसे उससे बिल लोगे तो बिल के साथ आपका पासपोर्ट प्लस आपकी रिटर्न टिकट और आपका पेन कार्ड, ये 3 चीज़ डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगेंगे जब आप करेंसी कन्वर्ट करवाने जाओगे। और अगर आप सोलो ट्रेवल आ रहे हैं तो सोलो ट्रेवल में तो सिर्फ आप ही का जो है वो 10,000 थाई बात आपको चाहिए होगा, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 20,000 थाई बात आपको करना पड़ेगा। और कि एक चीज़ और है जो अभी यहाँ पे रिसेंटली वो अपडेट हुआ है US डॉलर का, क्योंकि बहुत सारे अपने इंडियंस भाई लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि इंडिया से थाई बात भी कन्वर्ट करवा लेते हैं और कुछ US डॉलर भी कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप US डॉलर कन्वर्ट करवा के लाते हैं इंडिया से तो उस US डॉलर के जो भी आपका जो नोट है उसके ऊपर कोई भी स्टैम्प या कोई भी सिग्नेचर या कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके US डॉलर के ऊपर कोई भी स्टैम्प या मार्क है तो यहाँ पे उसको कन्वर्ट करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो आपसे कम चार्ज करेंगे, जैसे कि एक US डॉलर की प्राइस 35 थाई बात या 34 थाई बात चल रही है, तो आप जब उसको कन्वर्ट करवाने जाएंगे US डॉलर को थाई बात में तो वो आपको रेट कम देंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प और जो भी पेन का साइन है या मार्क है, जो भी उस पर कुछ भी अगर मार्क हुआ तो वो करेंसी कन्वर्ट करवाने में आपको रेट का थोड़ा इशू आएगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्वर्ट तो वो हो जाएगी। बट ये चीज़ एक अपडेट आई थी यहाँ पे अभी, क्या लोगों ने, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि थाई बात जो है रेट कम दे रहे हैं वो US डॉलर के कन्वर्ट करवाने पे। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से कन्वर्ट करवाने जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप कन्वर्ट करवाएं तो वहाँ पे US डॉलर की जो करेंसी है या नोट है उसको आप प्रॉपर चेक करें, क्योंकि ऐसा ना होता अपन तो पैसे देते भाई हमारा 20,000 या 30,000 का, मैं US डॉलर दे दो तो वो आप चेक कर ले तो अच्छा 100 करके अच्छा ठीक है चलो कोई दिक्कत, बट आप सारे नोटों को प्रॉपर चेक करें सब कुछ कि आगे पीछे दोनों तरफ से कि कुछ स्टैम्प या कोई सिग्नेचर या कुछ मार्क तो नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से आप एक्चुअली एक्स्ट्रा पे करके आ रहे हो INR to USD फ्री, यहाँ पे आके आपको लो प्राइस मिले थाई बात तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि US डॉलर जो है उसको प्रॉपर चेक करके लाएं, और थाई बात जो आप इंडिया से कन्वर्ट करवा के ला सकते हो और यहाँ पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये था लोगों का कि हम जो है वो पैसा बैंकॉक से निकालेंगे, भाई यहाँ पे अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर तक कोई भी ATM नहीं है,
आपको ऐसा लगे कि हम पैसा तो एटीएम से निकाल लेंगे, हमारे पास फॉरेक्स कार्ड है या फिर हमारा ट्रेवल कार्ड है या फिर हमारे पास एटीएम में बैंक में पड़े हैं, वो कुछ भी नहीं मांगेंगे। उनको कैश चाहिए आपके हाथ में कि भाई ये मेरा 10,000 है कैश, ये मेरे हाथ में, या चाहे आप यूएस डॉलर भी शो करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये ना सोचें कि भाई मैं क्या थाई बात के निकाल लूँगा या एटीएम से निकाल लूँगा या विड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल तक कोई भी एटीएम नहीं है। आप जब वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में जाओगे तो आप वहाँ से फॉर्म लेके फिल करके सबमिट करोगे, वहाँ पे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप करेंसी दिखाइए, आपका रिटर्न टिकट दिखाइए, आइटनरी दिखाइए, ये जी भी वैसे। बट इनकेस जब अगर आप रात की फ़्लाइट से इंडिया से आप न्यू दिल्ली या फिर कहीं से भी आप अगर आ रहे हैं इंडिया टू थाईलैंड, तो वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट्स एक साथ आती हैं तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई सवाल जवाब नहीं करते, वो आपका पासपोर्ट लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, स्टैम्प मार के दे देते हैं, 10 से 15 मिनट का काम करते हैं सिंपल सी। बट इनकेस आपका पासपोर्ट पर बहुत ज़्यादा स्टैम्प है, जैसे कि 4-5 बार आप हर थाईलैंड आए हो 2-3 महीने के गैप के बाद, तो वो क्या है आपका थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन भी करते हैं। ये आपका जो होगा वो इमिग्रेशन काउंटर पे होगा वीज़ा लगने के बाद, क्योंकि इमिग्रेशन वाले वो क्या पूछेंगे कि आप कि कहाँ रुक रहे हो, कैसे रुक रहे हो, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे 5-6 बार स्टाम्प है और आप ज़्यादा स्टे करके गए यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ रुक रहे हो, कैसे रुक रहे हो। फर्स्ट डे की बुकिंग आपको जो है वो दिखानी है बस खाली वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म के अंदर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो मनी का मैंने आपको बता दिया कि शो मनी में आपको कैसे क्या करना है। शो मनी में बस यही है कि आप थाई बात या यूएस डॉलर ही कैरी करके लाएं इंडिया से, या फिर इंडिया से ही कैरी करके, यहाँ तो कोई नहीं है कि आपके यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूएस डॉलर अगर चेंज करवा रहे तो उसको प्रॉपर चेक करें आगे पीछे से कि क्या कोई मार्क वाक कुछ भी तो नहीं है, जिससे कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम फेस ना हो कन्वर्ट करवाने में, तो उससे थोड़ा बचे रहें। चलिए चलते, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो थाईलैंड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी थाईलैंड ट्रेवल से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है, डाउट है वीज़ा से रिलेटेड, स्टिकर वीज़ा से रिलेटेड, कि अभी थाईलैंड में टूरिस्ट का कैसा है, जो भी है वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहीं थाईलैंड में रहता हूँ और बैंकॉक में टोन बांग नियर एयरपोर्ट के पास। तो कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है या कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं, मैं आपके फुल सपोर्ट कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, जिससे क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिले। और वीडियो का थोड़ा वीक में आ रही है, बट मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। चलिए चलते हैं।